अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, टॉपिक है आज का कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शंस। फंक्शंस को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं चैप्टर्स के स्टार्ट में, तो अब हम लोग उस फंक्शन के कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, what it means for a function to be continuous? Continuous function का मतलब क्या है general in terms of the graph, graph के ज़रिए। It means the graph of the function can be drawn continuously। कोई भी function हो उसका graph continuously हम लोग draw कर सकते हैं। A function that jumps or has break in it is not continuous। Such curves or such graphs of functions are discontinuous, considered as a discontinuous at that point। ये आपको एग्जाम्पल भी मैं इसका डायग्राम गिवन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे फंक्शन का ग्राफ है। ए पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ए पॉइंट पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ए पॉइंट पे एक सर्कल है, ब्रेक आ रहा है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, ये डिसकंटिन्यूस हुआ। अगर किसी फंक्शन का लिमिट फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर लें, तो वो पॉइंट, वो फंक्शन भी उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा और डिफाइंड होगा। अच्छा, दो किस्म के हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर किसी फंक्शन में एक्स अप्रोच कर ले किसी ए को फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक नोट गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोच। अच्छा, लेफ्ट के लिए हम लोग ये साइन शो करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, और राइट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट कैन ऑल्सो बी शोन ऑन वन ग्राफ as when the limit of the function exists or is continuous। यानी लेफ्ट और राइट दोनों को एक ग्राफ पे हम लोग शो कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल 2.24 है। फाइंड द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी जीरो पे फंक्शन का लिमिट जब राइट से, राइट से क्या कर लें, टेंस कर लें या अप्रोच कर लें, तो क्या होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, एक्स अपॉन एक्स वन, ये वन आ जाएगा और ये माइनस वन आ जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ये है और राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। जब एक्स नेगेटिव हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का साइन माइनस लगता है, तो ये एक्स एक्स कैंसिल, वन माइनस वन आ जाएगा, ये इसका आंसर क्या है, माइनस वन। अच्छा, इवॉल्वेट एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एफ एक्स इज लेस देन इक्वल वन, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज प्लस वन। अच्छा, इसका लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पर देख ले, x लेस देन इक्वल वन, लेस देन लेफ्ट के लिए यूज़ होता है, ग्रेटर देन राइट के लिए यूज़ होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, लिमिट x अप्रोचेस टू वन लेफ्ट एफ ऑफ x इज दिस, लिमिट x अप्रोचेस टू वन लेफ्ट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अप्लाई करेंगे लिमिट को, वन स्क्वायर प्लस थ्री, वन प्लस थ्री फोर। राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस वन, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर लूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। अच्छा, हम लोग अब क्या करेंगे, ये कह रहे हैं डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड इन एन इंटरवल।
किसी इंटरवल और किसी पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना किसी फंक्शन का. अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ. डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में किसी भी पॉइंट पे आप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. अगर ये कंडीशन फंक्शन पे किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई हो जाए तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा. द पॉइंट ए लाइज इन एन इंटरवल कंटेनिंग इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन. सेकेंड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए. उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन. किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, ये क्राइटेरिया है. क्राइटेरिया आपके माइंड में होना चाहिए किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर लें और दोनों इक्वल आ जाए तब उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है. लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड और एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल. तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन या सिंपल लिमिट इक्वल आ जाएं तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. किसी इंटरवल पे क्या होगा, अच्छा इंटरवल तो हम लोग ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, ये दो केसेस हो सकते हैं. फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल बी. अगर किसी ओपन इंटरवल के दरमियान, ए और बी के दरमियान किसी भी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो, तो वो फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा. अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी. क्लोज इंटरवल के लिए कंडीशन क्या है, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी, ए बी पे कंटिन्यूस होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की इक्वल, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ बी की इक्वल होना चाहिए. यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए तब क्लोज्ड इंटरवल पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यूस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस. उसमें लिमिट और वैल्यू इक्वल नहीं आते. अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ एक दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. एग्जांपल 2.26 हैं पेज नंबर 80 पे. टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. क्वेश्चंस बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आपने जस्ट इसका कंसेप्ट समझना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक ये है और एक ये है. ये पीस वाइज फंक्शन है. पीस वाइज फंक्शन दो टुकड़ों में ये हमारे पास गिवन है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन टू. ए वन प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन टू, फाइव माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू. एट एक्स इज इक्वल टू टू पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं और इसकी कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन चेक करते हैं. एक्स लेस देन इक्वल के लिए ये फंक्शन, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे. अच्छा सॉल्यूशन में इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री. यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, यानी पीस वाइज फंक्शन नहीं है कि ये लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए यूज़ कर लें. लेफ्ट के लिए भी यही यूज़ करेंगे, राइट के लिए भी यही यूज़ करेंगे. साइन स्क्वायर का लिमिट अलग, एक्स स्क्वायर का अलग और थ्री एक्स का लिमिट अलग. साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो, इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा. और राइट हैंड का लिमिट भी यही आ जाएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज एग्जिस्ट. अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स में डायरेक्ट एक्स की जगह ज़ीरो पुट करने से आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाती हैं. लिमिट आपको ये मिला और वैल्यू भी आपको ज़ीरो मिल गया. यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों ज़ीरो है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे.
अच्छा ये पॉइंट आप जहन में याद रख लें स्टूडेंट्स कि अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो आ जाए, राइट हैंड लिमिट ज़ीरो आ जाए, वैल्यू भी ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू में एक भी डिफरेंट आ जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा इसका सेकेंड पार्ट देख लें, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस का फंक्शन यूज़ करेंगे, वन प्लस एक्स टू लेफ्ट एफ ऑफ एक्स थ्री। राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, ये थ्री। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए, अच्छा स्टूडेंट्स इसी फंक्शन में जहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन में वैल्यू ऑफ द फंक्शन होती है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, एक्स की जगह टू पुट करते हैं थ्री, वैल्यू भी थ्री। लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री, राइट हैंड लिमिट थ्री, वैल्यू भी थ्री, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। अच्छा सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, थ्री प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस का साइन यूज़ करते हैं, लेस देन इक्वल ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यूज़ करते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, लेफ्ट एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एक्स अप्लाई किया लिमिट फोर। और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस एक्स, वन प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस वन टू। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया तो आपने आगे नहीं जाना है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, बस डायरेक्ट आपने यही लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रहे, लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये दोनों इक्वल आ जाए लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफरेंट आ जाता है, तब भी उस केस में भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। यूज़ मैपल कमांड, अच्छा मैपल कमांड इस काउंट को यूज़ करते हैं टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये एग्जांपल लास्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सीखेंगे कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है और कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूस है।